बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं पाकिस्तान स्टडीज में चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 16 चैप्टर नेम एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इस्लामिक डेमोक्रेटिक स्टेट। पढ़ेंगे हम इसमें द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 एंड इट्स सेलिएंट फीचर्स। इससे पहले हमने स्टूडेंट पढ़ा था 1956 का आईन कॉन्स्टिट्यूशन, उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था चौधरी मोहम्मद अली ने। पाकिस्तान के 11 साल के बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन तब्दील किया गया, बहुत ताखीर हो गई थी। वजह ये थी कि लियाकत अली खान की डेथ, सारा शिराजा बिखर गया था, दस्तूर साज असेंबली को तब्दील किया गया, फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन पेश किया गया, 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। लेकिन 1958 को फिर मार्शल लॉ लगा। उस मार्शल लॉ में चीफ एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से अयूब खान आ गए। अयूब खान ने मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया, तमाम दस्तूर साज असेंबली को तहलील कर दिया गया या तोड़ दिया गया, आईन को खत्म कर दिया गया। अयूब खान ने आते ही कुछ पाबंदियां आयद कर दी। सियासी पार्टीज, जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, उन पर बैन लगा दिया गया। प्रेस, इन पर भी, प्रेस पर, अखबार पर, इन पर सब पर पाबंदियां लगा दी ताकि हुकूमत की कोई खबर बाहर ना जाए। कुछ दफात नाफिस कर दी और ये उन्होंने आने के बाद 1962 में अपना आईन बनाया। उस आईन के कुछ नुकात हैं, सेलिएंट फीचर्स हैं जो मैं आज आपको बता रही। सबसे पहले उस आईन में भी वही रखा गया जो कि रखना चाहिए था, करारदाद मकासिद को इफ्तिताहिया के तौर पर रखा। करारदाद मकासिद को सबसे पहले रखा गया, वही पॉइंट्स जो हैं हमारे आईन में रखे जाते हैं। तो करारदाद मकासिद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उसको रखा गया सामने, और फिर उसके मुताबिक हाकमियत अल्लाह ताला को हासिल है, सुपर पावर अल्लाह ताला है, तमाम पावर अल्लाह ताला को हासिल है। अल्लाह ताला ने अपने बंदों को ये दिए हुए हैं तमाम इख्तियार जो कि वो ईमानदारी के साथ अवाम तक पहुंचाएंगे, नहीं तो फिर आखिरत में उनकी बासपोश होगी। दूसरा आ जाता है हमारा नंबर 2, मुमलिकत का नाम, कंट्री नेम। जैसा कि हम मुसलमान हैं, हमारे मुल्क जो मुस्लिम मुल्क है, तो हमारे मुल्क का नाम रखा गया जम्हूरियाए पाकिस्तान। लेकिन थोड़े ही अरसे के बाद इसमें इस्लामी लगा दिया गया नाम में, और इस्लामी जम्हूरियाए पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक स्टेट या इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इसका नाम रख दिया गया। थर्ड है हमारा सरबराह मुमलिकत का मुसलमान होना, जो मुमलिकत जो स्टेट को चलाएगा उसका मुस्लिम होना बहुत ज़रूरी है, कोई गैर मुस्लिम हमारे मुल्क पर इस ओहदे पर फाइज नहीं हो सकता। तीसरा है नंबर 3 इस्लामी उसूलों की पैरवी अकॉर्डिंग टू टीचिंग ऑफ इस्लाम, उस तरह से हमें चलने के लिए तमाम वो उसूल अपनाना पड़ेंगे जो हमारे लिए इस्लाम में बयान किए गए हैं। इस्लाम में कौन से उसूल बयान किए गए? सबसे पहले हमारा तौहीद, हमारा क्या है, रिसालत, आखरत पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, इस्लामिक किताबों पर ईमान। तो हमें इस्लामी उसूलों की पैरवी करना होगी। नंबर 5 जाकर इस्लामी जिंदगी का फरोग, वही आपका है
कि लाइफ आप ऐसे गुजारेंगे, लाइफ स्टाइल आपका जो होगा वो पूरा इस्लाम होगा, इस्लामी उसूलों के मुताबिक आप गुजारेंगे। शराब नोशी, जुआ या इस तरह के काम जो कि हमारे इस्लाम में जिनकी ममानियत की गई है, मना किया गया है, जिन्हें गुनाह करार दिया गया है, उन उसूलों को नहीं अपनाया जाएगा। और यही तमाम उसूल जो हैं इस्लामी वो हमारी ज़िंदगी का उसूल बनेंगे और उन उसूलों को फ़रोग दिया जाएगा, उन उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार कर उन उसूलों को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा। तो आपकी समझ में आया कि 1962 का आईन, 1962 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 और उसके इस्लामिक फीचर्स नंबर 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये मैंने आपको 5 बताई है। इसी का मैं आपको होमवर्क या होम असाइनमेंट देती हूँ। नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1, 1962 के आईन की 5 इस्लामी दफा तहरीर कीजिए। 1962 कॉन्स्टिट्यूशन की 5 इस्लामी दफा तहरीर कीजिए। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह। और ये चैप्टर और यही आपका कॉन्स्टिट्यूशन अब कंटिन्यू है, जो मैं आपको दूसरे लेक्चर में दोबारा इसकी और जो है सेलियंट फीचर्स वो आपको समझाऊंगी। ओके, अंडरस्टैंड।